अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मतलब समझे अब पाचन तंत्र ठीक नहीं, कुछ खाओ तो
सकता है। समझो अब खाएगी तो क्या, पाचन तंत्र खराब, इसीलिए भैया थोड़ा और खा लो। बोले आप बूढ़े हो गए, अब पछता है, इसीलिए समझ जाओ काल और ऊपर आ गया। अब भजन कर ले, पर फिर लोग दूध इत्यादि पीकर उसको अनदेखा कर देते, फिर काल और ऊपर आता है, मुख पर आता है, दांत झड़ जाते हैं। भाई जब पाचन तंत्र बसता नहीं तो खाओगे भी क्या, तो दांत भगवान हटा दे। अब तुझे दांत की जरूरत है, पर लोग नई चौखट लगवा देते हैं। फिर भी बोले हम तो फिर भी भजन नहीं करते, फिर नई चौखट लग जाती है और ऊपर आता है, कान भर जाता है, अब दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, और ज्यादा हल्ले में जा गए तो सिर दर्द शुरू हो जाता है, सुनाई देता नहीं, कानों ने भी साथ छोड़ा, फिर आंख पर अब दूर का दिखता नहीं सा। काल ने कहा भाई अब तो भजन कर ले, फिर भी व्यक्ति नहीं सुनता, और ऊपर आता है, सिर पर पहुंचता है, बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ भगवान कहते हैं भाई अब तो काले कामों को छोड़ और अपने जीवन को श्वेत बना ले, पर लोग फिर बाल काले कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भाई अब तो काले कामों को छोड़, दुनिया के काले कामों को छोड़कर भगवान के भजन में लग जा, अपने जीवन को श्वेत बना ले। पर फिर भी व्यक्ति सुधरता नहीं, संसार में ही आसक्त होता है। आज जब गजेंद्र को सबने त्याग दिया, पुत्र पत्नी इत्यादि सब छोड़कर चले गए, अगर भगवान का भजन करना है ना तो तब करो जब ठीक है। तब क्या भजन करोगे, जब बिस्तर पर लेटे व्यक्ति खड़ा तो किसी के दूसरे के सहारे से हो नहीं सकता, तब क्या भजन होगा। इसलिए भजन करना है तो युवावस्था में करो, और भगवान अगर तुम्हारे पास आ भी जाए, बिछौने पर पड़े हैं, बहुत बीमार है, खड़े नहीं हो सकते, भगवान को क्या दोगे। तो देखो गजेंद्र अब भगवान से सूती करने लगा, हे प्रभु पधारो अब हमारी रक्षा कर। क्योंकि अष्टम स्कंद में भागवत जी की कथा है, जब भगवान वामन बलि के यहाँ जाते हैं, पता नहीं इतने तंतानी भूमिर भयम तो या सुर, हे महाराज दैत्यराज हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल तीन पग भूमि चाहिए, और वो भी अपने पैर से नाप। पदा त्रिण दत्तानी भूमिर भयम तो या सुर, बलि के काम आ रहे, हम कैसी बात करते हो, इतने छोटे छोटे आपके पैर, इतने में तो एक आसन भी नहीं लगेगा। बोले हमें इतनी जमीन चाहिए। बोले तो दी, पर महाराज एक चीज कहूं मैं,
जाए हाथ जोड़कर, बोले बोलो, बोले देखो मैं किसी बड़े राक्षस को बुला ले आता जिसके एक पैर में ही कम से कम एक खेत तो नप जाए, तीन पैरों में तीन खेत आ जाए, बड़े बड़े होंगे, आसन क्या बढ़िया आश्रम भी बन जाए। भगवान ने कहा नहीं, मुझे अपनी पैर से चाहिए। तो क्या भगवान एक ही पैर में या दो ही पैर में पूरे त्रिभुवन को नहीं नाप सकते थे? क्या नाप सकते थे? तो तीसरा पैर क्यों लिया? क्योंकि एक पैर से बलि का सर्व समर्पण किया बलि ने, और एक अंतिम पैर से स्व समर्पण किया। जब विराट अवतार धारण किया तो दो पैर से दो सारी भूमि नाप डाली, और तीसरे पैर से पहले बलि ने सर्व समर्पण किया, अंत में स्व समर्पण किया। इसलिए हमें भी भगवान को क्या देना चाहिए? भगवान कहते हैं मुझे तेरा नहीं चाहिए, देना है तो मुझे तू चाहिए। भगवान तुम्हें मांगते हैं, इसलिए अपने को भगवान को समर्पित कर दो। भाव प्यार से जब उसने स्तुति गाई तब ग्राह पीड़ित मजा सरसावतीरिया सग्रामा कृपयो कृपयो जहान की रक्षा की। चाहे इसमें यही क्यों ना दिखता हो कि भगवान ने गजेंद्र को बचाया और ग्राह को मारा, लेकिन मुक्ति दोनों को ही मिली। एक ने प्रश्न किया, भगवान आपने यहाँ पर गलती की है। भगवान बोले गलती की है? क्या गलती की है? बोले छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, पहले क्षमा मांगो। भगवान ने कहा बोले कान पकड़ दिया तो बोल गलती क्या हुई? बोले तुमसे ये गलती हो गई है कि तुमने भक्त से पहले भक्त को सताने वाले का उद्धार कर दिया। पहले किसका उद्धार हुआ है बोलते क्यों नहीं? ग्राह का। अब बुलाया किसने भगवान को? गजेंद्र ने बुलाया गजेंद्र, और उद्धार पहले ग्राह का। ऐसा क्यों महाराज? ये गलती हो गई। तो बोले भगवान ने इसलिए ऐसा किया, जो भक्त के चरण में पड़ जाता है ना, भगवान भक्त से पहले उसका उद्धार करते, क्योंकि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सब को। ठीक है, कोई गलती है क्या? ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। पाप करने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा मत समझ लेना। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको, ऐसा नहीं। रामचरितमानस में पा का अर्थ पैर से लिया गया, पा पकड़े मतलब पैर को पकड़े। अगर किसी पैर भक्त के पैर पकड़ लोगे तो पाप करे प्रभु जी मिले, अगर पैर पकड़ लिए तो भगवान मिलने में देरी नहीं होगी। और पाप पकड़े सुख हो, और पाप पकड़े मुक्ति मिले, और भैया पाप पकड़ो सबको। इसलिए बोले गजेंद्र के पैर ग्राह ने पकड़ा था, इसलिए भगवान ने भक्त के सेवा करने वाले का उद्धार पहले किया। तो I'm
पित भई सासन की भुजा थकित भई वसन रूप भई श्याम वसन रूप भई श्याम निर्बल के भगवान जब जब भक्तों पर संकट आता है करहिं अनीत जाय नहीं बरनी सीधई विप्रधेन सुर धरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए जब जब भगवान के सज्जन भक्तों पर कष्ट आता है भगवान तब तब अवतार लेते तो सब लोग शांति बनाए रखेंगे। भगवान बड़े दयालु तो तीसरे पति अर्जुन, अर्जुन मतलब आत्मा, आत्मा में भी दया हो। नकुल सौंदर्य नकुल अर्थ लगा नकुल जिसके समान सुंदर पूरे खानदान में कोई नहीं ऐसा नकुल। और सहदेव, सहदेव ही ज्ञान है नकुल सौंदर्य। तो द्रौपदी ने कहा महाराज इसे मारो मत। भीम ने कहा नहीं हम नहीं इसे नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन बेचारे परेशान हो गए क्या करें मारें कि छोड़ें। अब जिस ताले की चाबी किसी के पास नहीं उस ताले की चाबी कन्हैया के पास क्यों ना कन्हैया से ही पूछ ले। कन्हैया ने कहा महाराज अब आप ही कुछ करो हम आपकी शरण में। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं आप लोग ऐसा करो। बोले बताओ जल्दी बताओ। बोले महाराज ब्रह्म बंधुर न हंतव्य ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए चाहे कितना ही पापी क्यों ना। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य राजा युधिष्ठिर ने ताली बजाई बहुत सुंदर। भगवान अपनी तरफ अब कौन कौन कहते हैं इसे मार देना चाहिए और कौन कहते हैं नहीं मारना चाहिए। पहले वो उठाओ जो चाहते हैं किसको मार डालो छोड़ना ही नहीं है वो ऊपर आर करो। और कौन कौन कहते हैं इसे नहीं मारना छोड़ दो बेचारे वो हाथ उठाओ चलो कोई बात नहीं। तो कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आदताई। तो जो लोग कहते थे किसे मारना नहीं चाहिए उन्होंने ताली बजाई चलो भगवान अपनी तरफ। और दूसरी बात में कन्हैया ने कहा आदताई बधारण और जो दुष्ट हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए उसे मार देना चाहिए। अब जो कहते थे वही मार डालो उन्होंने ताली बजाई अब भगवान अपनी तरफ। अर्जुन को गुस्सा आया महाराज कभी तो सीधी बात कर लिया करो आप तिरछे आपका नाम तिरछा आपका काम तिरछा आपकी कथा तिरछी आप खड़े भी रहे तो भी तिरछे। महाराज कभी तो सीधी बात कर लो। कृष्ण का नाम इतना तिरछा जैसे क में रिकार लगा होता है ना उतने तिरछे कन्हैया खड़े भी रहे तो भी तिरछे बात करें तो भी तिरछी और उनकी कथा भी सुनाओ तो भी तिरछी। जैसे प्रथम स्कंद में ही भगवान अपने धाम को चले जाते हैं और दसम स्कंद में भगवान का जन्म होता है इसीलिए भगवान की कथा भी तिरछी है। और भगवान राम राम का नाम सीधा राम का काम सीधा राम जी गए खड़े रहे तो भी सीधे राम जी की कथा भी गाओ तो भी सीधी राम जी बिल्कुल सीधे और कृष्ण बिल्कुल तिरछे। महाराज कभी तो सीधी बात कर लिया करो। कृष्ण ने कहा ठीक है आतताई को कभी आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए तो ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है तो ऐसा करो इसे मारो इसका अपमान करो
और जो सम्मानित व्यक्ति होता है ना, उसका अगर अपमान हो जावे तो उसके बराबर मृत्यु कोई नहीं। वैसे अगर कोई मर जावे तो एक ही बार मरेगा, लेकिन सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो बार बार मरता। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा, इसको धक्के मार के निकाल दो, इसकी मणि सर से निकाल दो और इसे भगाओ यहां से। इस प्रकार अपमान कर कर उसे भगाने लगे, क्योंकि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति तो वो है, अगर उसके मुख से अपशब्द सुबह निकल जाए तो वो दिन भर भूखा रहता है, मेरे मुंह से ऐसा निकला कैसे, वो दिन भर भोजन नहीं करेगा। और एक व्यक्ति वो है जिसकी शुरुआत ही अपशब्दों से होती है। इसीलिए लोगों में बड़ा अंतर है, जिसका सम्मान हो उसका अपमान कर दिया जाए तो वही उसकी मृत्यु है। तो भगवान ने कहा इसका अपमान कर दो, ये मरा हुआ ही है। अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया स्वस्थामा का, लेकिन दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता और संत कभी संतता नहीं छोड़ता। उस दूर जाकर इसने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में शिशु है, जो कौन परीक्षित, वही हमको तो पता है इसीलिए कह रहे। तो महाराज परीक्षित गर्भ में है, उनको वो ब्रह्मास्त्र नष्ट करने लगा। दौड़ती हुई आई उत्तरा, उसके पांच पांच ससुर खड़े हैं, वो उनके पास नहीं गए, उसकी सास वहां पर थी, सास के पास भी नहीं, कई सैनिक वहां थे, उन सैनिकों के पास भी नहीं गई। दौड़ कर आई, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इपाही पाही महायोगी देव देव जगत पते नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे महाराज हमारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरा बालक जीवित रहना चाहिए, मुझे अपने मरने का दुख नहीं। मुझे दुख है तो केवल एक चीज का, कि लोग आपके मान प्रतिष्ठा पर अंगुली उठाएंगे कि जिनकी तरफ कृष्ण में थे उनके कुल में भी कोई नहीं बचा, तो भगवान की तरफ भी क्यों जाए। इसलिए महाराज इसकी रक्षा करो। तब तो कृष्ण भगवान अंकुष्ट मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच दर्शनम चावम कलिद्वास समच्युतम। गर्भ में पहुंचे, अंगूठे के बराबर हो गए, गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा। देखो सास ने सिखाया है उत्तरा को। पहले हमारे यहाँ सास भेंट होती थी, होती इधर जैसे किसी का विवाह होता था तो सास भेंट होती थी, पता है आप लोगों को नहीं पता हमारे इधर होती। तो सास भेंट में सास को अपनी बहू को कोई शिक्षा देनी होती थी। तो जब उत्तरा आई सासू जी कुछ, द्रौपदी ने कहा बेटी मैं तुझे वो नहीं सुनाऊंगी जो मैंने पढ़ा है, मैं तुम्हें वो सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ। तो द्रौपदी वही चरित्र सुनाने लगी जब उसकी साड़ी खींची जा रही। आपने सुना होगा एक बार हस्तिनापुर में एक सभा चल रही थी, पता है आप लोग, वहां पर खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, जोर से जुआ खेल रहे थे। अच्छा कोई लोग हैं यहाँ जो जुआ खेलते, चलो कोई बात। तो जुआ का खेल चल रहा था, एक तरफ दुर्योधन बैठा था, एक तरफ पांडव बैठे थे और आगे बड़े बड़े गिलास रखे हुए थे कि नहीं। अच्छा आप लोग गए थे वहां, तो गिलास रखे हुए थे, उन गिलास में भी कुछ रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था नहीं पता है आप लोगों को। तो गिलास में क्या रखा हुआ था,
शराब रखी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध रखा हुआ था? अच्छा, शराब ही रखी हुई थी तो। पर चलो ऐसा मत कहो, धर्मराज जैसा व्यक्ति है, इतना बदनाम मत करो। शराब नहीं रखी हुई, चलो ग्लास में पानी रखा होगा, पर दुर्योधन ने तो सजा कर रखा होगा। हाँ तो बिल्कुल, सब लोग बैठे हुए थे, खेल रहे थे जुआ। कई दिन से दूध छूट गया था गौ माता का, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमारी यहाँ दो बहनें हैं, दीति और अदिति। दीति और अदिति, किसी ने पूछा दीति के सारे राक्षस ही क्यों हुए और अदिति के पुत्र सारे देवता ही क्यों हुए? अब वो इसलिए क्योंकि अदिति मैया अपने बालकों को गौ माता का दूध पिलाती थी, और दीति ने सोचा ये गाय का पिलाएगी तो मैं भैंस का पिलाऊंगी, इसलिए उधर सब राक्षस हो। किन किन लोगों के यहाँ गौ माता है, हाथ उठाना ऊपर। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हमारे माता और भाइयों। इसलिए कई दिन से दूध छूट गया था ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब जो लोग गाय का दूध नहीं पीते वो अंधे और बहरे होते हैं, होते हैं कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।